हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ वर्क इन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके इस चैप्टर के बस लास्ट टू टॉपिक बचे हुए हैं और जो कि वर्क से रिलेटेड है या फिर एनर्जी से रिलेटेड है, और वो डाइपोल से ही रिलेटेड हैं दोनों ही टॉपिक। तो आज के इस टॉपिक में हमें क्या करना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हो तो उसके रोटेशन में टोटल वर्क कितना करना होगा, वो वर्क की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कि उसके रोटेशन में टोटल वर्क कितना करना होता है यहाँ, जो कि कौन वर्क करेगा। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो डाइपोल के लिए हम लोगों ने देखा था कि डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रखते हैं तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखते हैं तो उसके ऊपर किसी भी तरीके का नेट फोर्स वर्क नहीं करता है, किसी भी तरीके का टोर्क्यू भी डेवलप नहीं होता है। लेकिन अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक एंगल पर रखा जाता है तो उसके अंदर एक तरीके का फोर्स डेवलप होता है जो कि टोर्क्यू होता है, और वो उसको रोटेट कराने का काम करता है। ठीक है, तो उसी रोटेशन में अगर एंगल पर रखा हो और अगर रोटेशन हो तो उस रोटेशन से रिलेटेड वर्क हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये है आज का हमारा टॉपिक। अब हम लोग इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं इसमें। यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल पर रखना है। तो ये हम लोगों ने ये बना लिया डाइपोल हम लोगों ने, जिसको ए बी नाम हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, अब ये ए बी जो डाइपोल है इसको हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेकर आना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमें लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इसको हम लोग एक एंगल पर रखते हैं, थीटा एंगल पर रखते हैं इसको, तो ये अपने आप क्या होगा, रोटेट होगा यहाँ पर। ठीक है, अपने आप जब रोटेट होगा यहाँ तो ये क्या करेगा, ये जो टोर्क्यू है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा टोर्क्यू। तो यहाँ जब इस डाइपोल पर टोर्क्यू वर्क करेगा तो मान लेते हैं कि इसके अंदर डी थीटा रोटेशन हो जाता है, डी थीटा एंगल से ये रोटेट हो जाता है। तो टोर्क्यू की डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं एट एन एंगल थीटा फोर टो इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। ये टोर्क्यू का फॉर्मूला है और ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही कैलकुलेट कर लिया था। फर्स्ट चैप्टर में जब हम लोगों ने डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तब हम लोगों ने बताया था कि उस पर अगर उसको थीटा एंगल पर रखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो उस पर एक तरीके का फोर्स वर्क करता है जिसकी वैल्यू होती है टो इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, जो कि इसको रोटेट करवाने का काम करता है। तो ये हो गया है फोर्स, और हमें डिस्प्लेसमेंट कितना बताना है कि हम लोग एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं डी थीटा, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय ए स्मॉल एंगल डी थीटा। डी थीटा एंगल से अगर वो रोटेट हो जाए तो वर्क जो है, वर्क हमें पता है
DW, क्योंकि स्मॉल चेंज ले रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो वर्क भी स्मॉल लेंगे। DW इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये होता ही है। तो फोर्स क्या है यहाँ पर, टोर्क्यू इंटू में डिस्प्लेस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो टोर्क्यू है यहाँ पर पी, आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, टो इंटू डी थीटा, और टो की वैल्यू रख देते हैं पी ई, साइन थीटा इंटू डी थीटा, और ये डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। लेकिन तो अब हम, अब अगर हमें टोटल वर्क कैलकुलेट करना हो, तो टोटल वर्क हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। टोटल वर्क लेने के लिए इंटीग्रेशन पी ई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिमिट की वैल्यू हमें रखनी होगी कि हम लोग जो रोटेशन हो रहा है वो कितने एंगल से कितने एंगल तक हो रहा है, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 0 degree टू थीटा इक्वल्स टू थीटा नोट डिग्री, इतने एंगल से 0 degree से थीटा नोट डिग्री तक हमें अगर रोटेट करना हो तो उसमें टोटल वर्क कितना होगा। तो यहाँ W इक्वल्स टू थीटा की लिमिट रख देते हैं हम लोग, थीटा इक्वल्स टू 0 degree से थीटा इक्वल्स टू थीटा नोट डिग्री, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना होगा और उसके बाद इंटीग्रेशन की लिमिट रखनी होगी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग P और E, ये तो वैल्यू कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन थीटा इक्वल्स टू 0 degree से थीटा इक्वल्स टू थीटा नोट डिग्री, और अंदर बचेगा साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं माइनस कोस थीटा होता है, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस कोस थीटा, और लिमिट जो है वो थीटा इक्वल्स टू 0 degree से थीटा इक्वल्स टू थीटा नोट डिग्री, ये लिमिट एज इट इज़ रही। अब हम लोग इसकी लिमिट की वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए एक तो ये एप्लीकेशन आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो कि अगर माइनस का साइन होता है तो लिमिट जो है वो ओपोजिट हो जाती है, ठीक है। ये थीटा नोट तो नीचे आ जाएगा और 0 degree ऊपर चला जाएगा, या फिर आप एज इट इज़ वैल्यू रख सकते हो। तो एज इट इज़ वैल्यू रख देंगे तो भी यहाँ पर माइनस का कोस थीटा नोट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस आता ही है यहाँ पर लिमिट जब रखते हैं, और ऑलरेडी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस कोस 0 degree लिमिट की वैल्यू रख दी। W इक्वल्स टू पी ई एज इट इज़, और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और वो पॉजिटिव है, तो इस साइड ले आएंगे माइनस कोस थीटा नोट डिग्री, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास में टोटल वर्क की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर एक कंडीशन हम लोग ले सकते हैं, इफ़ द डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम थीटा 1 to थीटा 2 देन W इक्वल्स टू हो जाएगा पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, तब ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस कंडीशन में भी हम लोग और कंडीशन रख सकते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग रख सकते हैं इफ थीटा 1 इक्वल्स टू 0 degree एंड थीटा 2 इक्वल्स टू 90 degree देन
W इक्वल्स टू, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, पी ई कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस कोस 90 की वैल्यू 0, तो कितना आ जाएगा आंसर, वर्क आ जाएगा पी ई के इक्वल। सेकंड कंडीशन हम लोग ले लेते हैं, इफ थीटा 1 इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन W इक्वल्स टू पी ई, तो एज इट इज़ है ही बाहर, कोस 0 की वैल्यू यहाँ पर 1 और कोस 180 की वैल्यू माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पी ई। तो इस तरीके से ये कंडीशन इसमें हम लोग ले सकते हैं। तो ये था यहाँ पर एक डाइपोल के रोटेशन में कितना वर्क होता है उसकी वैल्यू। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं तक था, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया है। जहाँ पर भी आपके डाउट हो, अगर कुछ क्वेश्चंस हो, तो वो हमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी उनका रिप्लाई करने की। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें।